नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर वरुणावत पर्वत के नीचे बनी टनल रखरखाव नहीं होने से बदहाल हो गई है और पहाड़ी के अंदर से टनल में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। भविष्य में किसी बड़े खतरे को ये टनल दावत दे रहा है। वहीं टनल में पानी के रिसाव से कीचड़ हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। टनल में हो रही लापरवाही का कोई भी विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं टनल के भीतर किस तरह से पानी का रिसाव होने से टनल का जो पैदल पाथ है वो बिल्कुल पानी से भर चुका है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तमाम विभागों की तरह से टनल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और ऐसे में हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर पानी का रिसाव होता रहा तो कोई बड़ी आपदा इसे लेकर आ सकती है। बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से इस वक्त बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, अगर इस टनल की हालत देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं लगती है। किसके अंदर ये टनल आता है और फिलहाल इसे लेकर अब क्या बातचीत हो रही है? क्या किसी विभाग ने अब तक इस पर संज्ञान लिया है? नीलू, मैं बता दूं, जो वरुणावत पर्वत है, पहाड़ी से जब भूस्खलन होता था उसके चलते 2003 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद ये बनके तैयार हुई थी और तब से लेके आज तक इसकी जिम्मेदारी कोई भी विभाग लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिंचाई विभाग ने इसको बना के तैयार किया था। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा खर्च होने के बाद ये टनल बनी थी और अब इसकी स्थिति ऐसी है कि इस पे रिसाव लगातार पहाड़ी के अंदर से पानी रिसाव हो रहा है, जिससे लगातार जो ये टनल है खस्ताहाल होती जा रही है। और जो विभाग है जिसने इसको बनाया वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो नगर पालिका है यहाँ पे वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गंगोत्री हाईवे पे ये टनल बनी हुई है तो जो BRO है वो भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो जिससे जो ये टनल है लगातार खस्ताहाल हो रही है, जिसके पैदल मार्ग जो बनाए गए हैं किनारे से वहां पे भी कीचड़ में तब्दील है, जो स्थानीय लोगों ने भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि उनके स्तर से पत्र लिखा गया है, जल्द ही BRO को जो ये टनल है दे दी जाएगी। इसमें कितना समय लगता है ये देखना होगा, पर जिस तरह से सेंसिटिव जोन में यहाँ टनल बनी है और जिस तरह से इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कार्यदायी संस्था जिसने बनाया बिल्कुल। और पीछे कई बार इस तरह की समस्या जब टनल को लेकर हमने देखा था कि किस तरह से दिक्कत आई थी या आपदा आई थी, और अब भी इसे लेकर नहीं चेते तो फिर कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बलबीर जुड़ने के लिए। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड बाजार के पास पहाड़ी दरक रही है। हल्की बारिश में ही पहाड़ से मलबा नीचे गिर रहा है। ऐसे में पहाड़ी के ट्रीटमेंट की मांग भी अब उठने लगी है। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं, जहां से मलबा गिर रहा है। वहीं NH विभाग का कहना है कि सभी लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रोड को फिर से खोल दिया गया। भूस्खलन की वजह से यहां पर प्रशासन ने पैदल आवाजाही को ही पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन दोपहर बाद फिर से आवाजाही शुरू कर दी गई। हालांकि सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात हैं और सुरक्षा के बीच यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड आखिरकार खुल ही गई। चंपावत और जो पिथौरागढ़ की लाइफलाइन थी वो बीते 5 दिनों से पूरी तरह से बंद थी, ठप थी। 12 सितंबर को भारी आपदा आई थी, बारिश हुई थी और इसके बाद ये हाईवे 90% मौकों पर बंद था, जिसकी वजह से लाखों की आबादी को खासी दिक्कत उठानी पड़ी। फिलहाल NH ने स्वाला के पास जैसे तैसे गाड़ी जाने लायक कुछ रूट बना दी है, लेकिन NH के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही परमानेंट ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी स्वाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया और NH के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। उसमें जो है हमने ऊपर इसके क्राउन पे जहां से मेनली ये सिंक हो रहा है वहाँ पे काफ़ी मटेरियल जो है टूटा हुआ है और डिपॉजिट के फॉर्म में, तो उसे जो है ऑफलोड करने के लिए वहाँ पे JCB भी डोजर भी जो है हम दोनों भेज रहे हैं। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है और निगरानी इस पर रहेगी, क्योंकि जब जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरतना हो।
पिथौरागढ़ और चंपावत के लाइफलाइन ऑल वेदर रोड की बदहाली से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन इस सबसे आसानी से बचा जा सकता था यदि समय रहते वैकल्पिक रूट को तैयार कर लिया गया होता। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक का हाईवे रोड ऑल वेदर में तब्दील हो चुका है। 1600 करोड़ की लागत से बनी ऑल वेदर रोड लाखों की आबादी के लिए मुसीबत बन गई। अब हालात ये है कि चीन और नेपाल सीमा तक जाने वाले सैनिकों की भी राह इस रोड ने थाम कर रखी है। ऐसे में अधिकारी अगर दूर की सोच रखते हैं तो पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। असल में इन दोनों जिलों में आसानी से वैकल्पिक रोड बन सकती थी, जिस पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात भी डाली थी और ये उनके घोषणा में भी है, पर अफसोस यह है कि आज 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि इस मोटर पुल को बनाया जाए और एक बैकअप भी रास्ता पिथौरागढ़ में आने जाने के लिए खोला जाए। पिथौरागढ़ से रामेश्वर घाट के लिए रोड पहले ही बनी है, लेकिन रामगंगा में पुल नहीं बनने से वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं हो पाया। सालों से इस पुल को बनाने की मांग उठती रही, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कुछ ऐसा ही हाल चंपावत का भी है। स्वाला में हो रहे लैंडस्लाइड ने 12 सितंबर से लोगों को कैद किया है। धौन से लेकर ध्यूरी तक पहले ही रोड कटी है। ऐसे में अगर मात्र 4 किलोमीटर की रोड बनी होती तो स्वाला की दरकती पहाड़ी भी लोगों की राह नहीं रोक पाती। जिसमें कि रामगंगा नदी में एक पुल हमारा प्रस्तावित है और वो फिर आगे जाके दुबौला बैंड में बनेगा, तो भविष्य में यही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। इसमें हमारा जो है जो रामगंगा नदी पर पुल प्रस्तावित है उसका हमारा साइट सिलेक्शन और DPR की स्टेज लगभग पूरी हो चुकी है। डिजाइन सेल को हमारा DPR जा रही है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान भी पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के वैकल्पिक रास्तों को बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन ये कवायद सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। बॉर्डर के अहम हाईवे में लगातार हो रहा लैंडस्लाइड को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि वैकल्पिक रास्तों को तूफानी रफ्तार से बनाया जाए। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केदार घाटी के पैदल ट्रैक पर लगातार काम चल रहा है। वहीं खराब रूट को भी ठीक कर दिया गया, लेकिन केदार घाटी में बार बार तेज बारिश हो रही है और इसके बाद भी पूरी टीम मुश्तैदी के साथ डटी हुई है। वहीं अजय टम्टा ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता वाले कुछ लोग केदार घाटी में खराब रास्तों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कर रहे हैं, ये गंदगी कर रहे हैं और वो उस क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और वो स्वयं मेरे साथ बैठे थे। अभी भी मेरे पास हर घंटे की मिनट की वीडियो आ रही है। ऐसे लोगों को खास तौर पर जो यात्रा को प्रभावित करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष की मानसिकता वाले लोग हैं और जो जबरदस्ती इस क्षेत्र का भला नहीं होने देना चाह रहे, हमारी यात्रा में नहीं आने देने चाह रहे। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है। हल्द्वानी में सोमवार को आज कांग्रेस ने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस लगातार माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। पिछले महीने कांग्रेस ने इसी तरह का कार्यक्रम रुद्रपुर में किया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले MB ग्राउंड में जमा होंगे और फिर यहां से मार्च करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल के कैंप ऑफिस तक जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश DM ऑफिस का घेराव कर पूरे प्रदेश तक मैसेज पहुंचाने की है। महंगाई, भ्रष्टाचार, अवरुद्ध विकास, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, पलायन और जो स्थानीय मुद्दे हैं, हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम आज खतरे के जद में है और उसमें कुछ भी पैसा अवमुक्त नहीं किया जा रहा है, बदहाल है, जू का पता नहीं है, गोला नदी का पुल ढह गया है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, गोला नदी में हम 4 लेन की मांग कर रहे हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर हम घेराव करेंगे जिलाधिकारी कार्यालय का। तो कांग्रेस का हल्ला बोल आज है। आज हल्द्वानी में
कांग्रेस एक बड़ा कह सकते हैं कि घेराव करने वाली है, हल्ला बोल आज करने वाली है कांग्रेस, और इसको लेकर डीएम कैंप ऑफिस का कांग्रेस घेराव करने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो गई है। कांग्रेस ने अपने तमाम मुद्दे गिना दिए हैं। यशपाल आर्य के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़ी नेता एमबी ग्राउंड में कांग्रेस की एक जनसभा भी इसे लेकर होने वाली है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज डीएम का घेराव होगा, इसके अलावा वहां पर एक जनसभा भी की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। पीछे कुछ दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस बहुत मुखर हो गई है और उपचुनाव को लेकर उसकी पूरी तैयारी है। देखिए, जरूर जो उपचुनाव होने वाला है वो तो गढ़वाल के क्षेत्र में होने वाला है, केदारनाथ में होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो निकाय चुनाव होंगे, हालांकि उसका शेड्यूल भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी जो ग्राउंड जीरो की तैयारी है वो शुरू कर दी है। हमने देखा पिछले दिनों इन्होंने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बड़ी तैयारी की और वहां पर जो पूरे कुमाऊं से लोग ये वहां पर जुटे और जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस में अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में आए और कांग्रेस के हर चुनाव में जीत हो, लेकिन जो बड़े नेताओं के डिफरेंसेस हैं वो हमेशा कांग्रेस पर हावी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की कोशिश है, क्योंकि स्टेट लीडरशिप ने को बेहद साफ कहा गया है सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कि आप एक मंच पर नजर आए, और यही वजह है कि जो कुमाऊं के सारे कार्यक्रम हैं उन पर, चाहे वो गढ़वाल के नेता हों चाहे वो कुमाऊं के नेता हों, सब एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आज भी हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, इन सबके पहुंचने का कार्यक्रम है, पीसीसी चीफ के पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन कुमाऊं में सारे के सारे कार्यक्रमों को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। उधम सिंह नगर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब हल्द्वानी में इस तरीके से हर जिले को घेरने की कोशिश है और आज जिलाधिकारी घेराव का भी इनका कार्यक्रम है। और कांग्रेस की यह कोशिश है कि एक तरीके से निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव से पहले पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया जाए जिसका फायदा 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनमें देखने को मिले। इसी वजह से कांग्रेस लगातार इस तरीके के प्रदर्शन कर रही है और सीरीज वाइज प्रदर्शन की तैयारी है 13 के 13 जिलों में। इसके बाद दोनों कमिश्नरीज को घेराव का भी तैयारी है, यानी जो कुमाऊं कमिश्नर है नैनीताल में बैठते हैं उनका दफ्तर भी घेरेगी कांग्रेस, और फिर गढ़वाल में जो है वहां पर भी घेराव किया जाएगा। इस तरीके से कांग्रेस जो है केदारनाथ उपचुनाव से पहले पूरा का पूरा एक चुनावी माहौल जो है वो तैयार करने की कोशिश में है। बिल्कुल, तो कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, उपचुनाव, उसके बाद नगर निकाय चुनाव और तमाम चुनावों को लेकर, और आगे आने वाले जिस तरह से शैलेंद्र ने बताया 2027 में चुनाव है उसको लेकर अभी से एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है, और उसी के तौर पर हल्द्वानी का आज ये घेराव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने और मूल निवास के मुद्दे पर ऋषिकेश में आज रैली का आयोजन किया गया है। रैली में आए लोगों ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद से ही राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, जिस पर अब प्रभावी कानून बनाए जाने की जरूरत है। लोगों ने मांग की कि जमीन को लेकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में कानून बने हैं उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कानून बनाए जाने की अब जरूरत है। मान लेना चाहिए, वैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले किया, जब भू कानून आएगा तो प्रदेश के खुशहाली के लिए भू कानून जरूरी है और हम तन मन धन से भू कानून के पक्ष में है। और टेहरी में चंबा ब्लॉक के जड़धार गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर फैसला किया कि वो अपनी जमीन बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे। ग्रामीणों ने ये भी शपथ ली कि ना तो वो अपनी जमीन खुद बेचेंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे। वहीं ये भी कहा कि पंचायत द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध यदि कोई जाएगा तो उसका कोई भी किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। देहरादून के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के 70 से ज्यादा स्पा सेंटरों पर पुलिस ने रेड की, जहां पर अनियमितता मिलने पर 29 के चालान किए गए हैं। वहीं पुलिस ने अलग अलग स्पा सेंटर से 5 लड़कियों का रेस्क्यू भी किया है। उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ एक अभिनेत्री ने यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा दिया। आरोप के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक ने यौन शोषण किया, उस दौरान अश्लील वीडियो बना लिया। अब वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता के मुताबिक 2022 में संत रविदास आश्रम के आचार्य सुरेश राठौर ने उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद बुग्गा वाला आश्रम बुलाकर
खाने में नशा देकर संबंध बनाए। इस दौरान बनाए गए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद परेशान होकर 4 अक्टूबर 2022 को नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में गंधर्व विवाह कर चुकी है। आरोप के मुताबिक अब सुरेश राठौर बड़े बड़े अधिकारियों को खुश करने का दबाव बना रहा है, विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित अभिनेत्री ने सहारनपुर में एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही न्यूज 18 ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मैं पिछले लगभग 2.5 साल से रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के साथ एक धर्म पत्नी के रूप में रह रही हूँ। नेपाल में उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था और लगातार आ रहे थे जा रहे थे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कंघा कर रहे हैं मेरे बालों में। बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना वो राजनीतिक गलियारों का। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल किया उनकी पत्नी ने, उनके धर्म पत्नी ने, जिसमें मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और उनके बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छीन ली गई। मेरा ऐसा कभी भी उनकी छवि धूमिल करने का उद्देश्य नहीं था, वो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था, लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे और मेरे ऊपर उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का केस कर दिया है। बागेश्वर के कपकोट में एक शख्स के तमंचे से हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस शख्स को कपकोट के लाथी इलाके का बीडीसी मेंबर बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वीडियो कपकोट का है कि नहीं। टेरी में घनसाली के चमियाला में शराब ओवर रेटिंग के शिकायत पर कस्टमर बनकर शराब की दुकान में पहुंचे नायब तहसीलदार सेल्समैन ने 20 रुपए की ओवर रेटिंग मांगी। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी और बिलिंग मशीन खराब भी मिली। नायब तहसीलदार ने अब अधिकारियों को इससे लेकर रिपोर्ट भेजी है। हल्द्वानी में रविवार रात हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर आ गया। हल्द्वानी से लालकुआं, पंतनगर, बरेली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हल्दू चौड़ के पास रात के अंधेरे में हाथियों के झुंड को देख लोग हैरान हो गए। हाथियों का ये झुंड हाईवे को क्रॉस कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान काफी देर तक हाईवे पर ट्रैफिक रुका रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद हाथी जंगल की तरफ चले गए। हाथियों के झुंड के साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल के जरिए बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन के श्यामपुर रेंज में देर रात करंट की चपेट में आकर टस्कर हाथी की मौत हो गई। पहले भी यहां पर करंट की चपेट में आकर कई हाथियों की जान जा चुकी है और अब एक बार फिर से इस टस्कर हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। मॉनसून के सीजन में इन दिनों सांप निकलना आम बात है। देहरादून के सिंगली गांव में एक घर में 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा को निकाला और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना लंबा कोबरा है। खास तौर पर बरसात के दिनों में इस तरह की घटनाएं अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलती है और ये जो मामला है देहरादून का है, जहां पर एक गांव में कहते हैं कि करीब करीब 12 फीट ये कोबरा निकला, जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया और इसे जंगल में छोड़ दिया गया। ओटेरी के गनगर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गुब्बारे से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रिक डिवाइस आसमान से खेत में गिरा। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। ग्रामीण और पुलिस ने जब इसकी जानकारी जुटाई तो डिवाइस मौसम अपडेट से संबंधित था। इसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आसमान में गुब्बारे के साथ ये बंधा हुआ था और जब पीछा किया तो कुछ दूरी पर गुब्बारा फट गया और ये डिवाइस खेत में गिर गया, जिस पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ था। इससे ग्रामीणों ने सुरक्षा की दृष्टि से चलते पुलिस और प्रशासन को इस बात की जानकारी। डिवाइस गिरा जो कि गुब्बारे से बंधा हुआ था और गुब्बारे के फटने के बाद वो खेतों में गिरा, जिसे देख के कुछ देर तक लोगों में बड़ी सनसनी रही। फिर उसके बाद डिवाइस को लाया गया और हम लोगों के द्वारा उसे फिर गूगल पर सर्च किया गया तो वो वेदर के बारे में रिपोर्ट बता रहे थे कि वेदर संबंधी रिपोर्ट देता है, लेकिन उसमें कोरिया का नाम लिखा होने पर हम सुरक्षा कारणों से हमने इसे अपने शासन प्रशासन को जानकारी दी और शासन
पौड़ी में देवप्रयाग के लोस्तु बढ़ियारगढ़ ग्राम सभा के ग्रामीणों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव में सड़क नहीं होने से कुछ ग्रामीण एक बुजुर्ग मरीज को डंडी कंडी के सहारे कंधे पर लादकर इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बुजुर्ग मरीज को डंडी कंडी के सहारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो आज सोचिए कि आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर सड़क नहीं है, जिसकी वजह से इतनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है।